लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से पिछले एक महीने से ज्यादा समय से भारतीय सेना का तनाव चल रहा है। कई जगह पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। दोनों सेनाओं के बीच फेस ऑफ जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स के बीच लगातार बातचीत भी चल रही है, फिर भी तनाव बरकरार है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि चीन आखिर भारत से क्यों तिलमिलाया हुआ है, वो भारत के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रहा है। दरअसल चीन के बौखलाने की सबसे बड़ी वजह है लद्दाख में बन रही वो सड़क, जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए काफी अहम है, और चीन नहीं चाहता कि भारत इस सड़क का निर्माण करे, क्योंकि चीन जानता है कि अगर ये सड़क बन गई तो चीन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और युद्ध के हालात में भारत आसानी से सरहद पर गोला बारूद इकट्ठा कर सकेगा। मौजूदा समय में लद्दाख में चीन के बदली चाल की बड़ी वजह भारत का सीमावर्ती इलाकों में सड़क डिफेंस फैसिलिटी और डिफेंस फोर्टिफिकेशन बनाना है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत ने चीन से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर 73 स्ट्रैटेजिक रोड यानी कि सामरिक महत्व की सड़कें बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। सड़क बनाने का जिम्मा मुख्य तौर से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को दिया गया था। कुछ सड़कें बनाने का जिम्मा NHAI और राज्य सरकारों के पास था। अब तक इनमें करीब 60 सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं, जबकि सबसे अहम सड़क यानी कि दारबुकश्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क है। ये सड़क ही चीन के लिए सिरदर्द बनी हुई है और इसी को रोकने के लिए वो भारत को सीमा विवाद में उलझाए रखना चाहता है। दोस्तों आज हम आप लोगों को इसी सड़क के बारे में बताने वाले हैं। ये सड़क लद्दाख के मुश्किल रास्तों में बनाई जा रही है, जहां सड़क बनाने के लिए समतल जगह तक नहीं है, जहां रोड बनाने के लिए BRO पहाड़ों का सीना चीर रही है ताकि सड़क को बनाया जा सके। दोस्तों आज हम आप लोगों को इसी सड़क के बनने के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर BRO को ये सड़क बनाने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और आखिर इस सड़क के बनने से चीन के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। बॉर्डर तक सड़क बनने से बौखलाया ड्रैगन। दरअसल चीन के भारत को सीमा विवाद में उलझाने की सबसे बड़ी वजह है ये सड़क। दारबुकश्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क में कुल 8 पुल बनने हैं। इस सड़क के बन जाने से लेह और दौलत बेग ओल्डी के बीच की दूरी महज 6 घंटे में पूरी हो सकती है। जहां एक ओर पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच LAC पर विवाद जारी है, वहीं दूसरी ओर भारत की सीमा पर इस सड़क के निर्माण का काम जारी रखा हुआ है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक 255 किलोमीटर लंबे इस सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इस 255 किलोमीटर लंबी सड़क पर 8 पुल बनने हैं। इस निर्माण को इस साल के अंत तक पूरा करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। इसके लिए लेह में 8 जगहों पर झारखंड से मजदूर पहुंच चुके हैं। BRO की माने तो पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए झारखंड के मजदूरों को दिक्कतें नहीं होती हैं और वह आसानी से इस माहौल में ढल जाते हैं। 255 किलोमीटर लंबी दारबुकश्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क लेह से अक्साई चीन की सीमा को सटे दौलत बेग ओल्डी तक कनेक्टिविटी बनाती है। चीन की सीमा से करीब 9 किलोमीटर दूर तक ये रोड भारत के लिए अहम है, क्योंकि ये दौलत बेग ओल्डी सीमा पोस्ट तक पहुंचती है। दौलत बेग ओल्डी के पश्चिम में गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, जहां चीन और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं। ये पूरा इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इस पर भारत एतराज जता चुका है। आसान नहीं है इस इलाके में सड़क निर्माण। पूर्वी लद्दाख में मौसम के लिहाज से काम करना आसान नहीं है। यहाँ सब कुछ मौसम पर निर्भर करता है। साल में सिर्फ 4 से 5 महीने यहाँ काम करना संभव होता है। बर्फबारी के समय यहाँ सारे काम ठप हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ जिंदा रहना आसान नहीं होता है। फिलहाल इस समय इलाके का मौसम उतना ठंडा नहीं है, लेकिन फिर भी मैदानी इलाकों से ज्यादा ठंड होती है। ऐसे में यहाँ काम करना किसी चुनौती से कम नहीं है। BRO यहाँ सड़क बनाने के लिए पहाड़ों का सीना चीर रहा है। कई जगहों पर दर्रों की वजह से पहाड़ों के बीच से सड़क को गुजारा जा रहा है। इसके लिए इन ऊंचे पत्थर के पहाड़ों को काटने का भी काम कहीं कहीं चल रहा है। इस सड़क का निर्माण करीब 2 दशक से जारी है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तरी सेना के कमांडर, सीमा सड़क संगठन के परियोजना प्रमुख इंजीनियर और 81वीं ब्रिगेड के कमांडर पिछले कई सालों से इस कोशिश में लगे हैं कि सड़क का काम जल्द पूरा हो जाए। सिंध नदी के बेसिन में मौत की नदी कही जाने वाली श्योक नदी और उसकी शाखाएं हर मौसम में बाढ़ बनकर कहर ढाती हैं। साथ ही यहां बर्फबारी का भी जोखिम रहता है, इसलिए दौलत बेग ओल्डी तक कंप्लीट की जा रही सड़क हर मौसम में कारगर साबित हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
सेना के पूर्व निर्मित 37 पुलों को ये सड़क जोड़ती है। इसके अलावा यहाँ पिछले साल अक्टूबर में 500 मीटर लंबे कर्नल चेवांग रिनचीन वैली ब्रिज की शुरुआत भी हो चुकी है, जो दुनिया का अपनी तरह के सामरिक महत्व वाला सबसे ऊंचा ऑल वेदर ब्रिज है। आखिर क्यों चीन को खटक रही है ये सड़क? लद्दाख की राजधानी लेह से चीन की सीमा पर स्थित काराकोरम पास तक पहुंचने वाली ये सड़क इस साल पूरी हो जाने की उम्मीद है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये सड़क गारबूक से भारतीय सीमा के लद्दाख में स्थित आखिरी गांव श्योक तक पहुंचती है। लद्दाख को चीन के झिनजियांग प्रांत से अलग करने वाले काराकोरम पास और श्योक के बीच दौलत बेग ओल्डी स्थित है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पहाड़ी मैदान भारतीय वायुसेना की सप्लाई के लिहाज से एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड की लोकेशन है। भारत और चीन की ज्यादातर सीमाएं पहाड़ी इलाकों में है, इसलिए किसी भी देश के लिए अघोषित युद्ध शुरू होने की हालत में वो देश फायदे में ही रहेगा जिसकी सेनाओं और रक्षा संबंधी सामानों को जल्द से जल्द सीमा तक पहुंचाने का रास्ता होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई रास्ते से भी सैनिकों और उपकरणों को पहुंचाने में कई बार मौसम संबंधी समस्याएं होती हैं, इसलिए सड़क मार्गों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन को इसी बात की चिंता है कि अगर भारत ने ये सड़क बना ली तो वो इसका फायदा युद्ध में उठा सकता है। इस सड़क के बनने से पूर्वी लद्दाख की सीमाओं की कनेक्टिविटी काफी बढ़ गई है। काराकोरम पास के बेहद करीब ही है शशगम घाटी, जो 1962 के युद्ध के एक साल बाद ही पाकिस्तान ने चीन को सौंप दी थी। इस सड़क के आसपास भारतीय सेना ने अपने डिफेंस फैसिलिटी यानी कि पक्के बंकर और बैरक तक बना लिए हैं। श्योक नदी से मिलने वाली गैलवान नदी पर भी भारतीय सेना ने पुल बनाने की कोशिश की तो दोनों देशों के सैनिकों में यहाँ झड़प हो गई, जिसके बाद से गैलवान घाटी में चीनी सेना तंबू गाड़ कर बैठ गई है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने भी अपना कैंप यहां लगा लिया है। हालांकि विवाद के बाद भी भारत सड़क बनाने का काम तेजी से कर रहा है।